जय हिंद दोस्तों। होली पर DL आवेदकों को बड़ा तोहफा मिला है और अब आप सभी को झटपट आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। यानी कि जो गुड न्यूज़ है ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच के संबंध में है, यानी कि जो होम डिलीवरी होती है आपके ड्राइविंग लाइसेंस की उससे संबंधित है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सबसे पहले तो आज होली है तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जिस प्रकार से होली पर रंग बरसता है वैसे ही आप सभी के जीवन में भगवान करे कि रंग बरसे, अच्छे अच्छे रंग आपके जीवन में निखर कर आए। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर से आप सभी को। अब आपको जानकारी देते हैं कि होली पर का गुड न्यूज़ जो है आई हुई है वो क्या है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है। आज होली है तो उसके लिए एवज में डबल लाइक आप लोग करिए, और गुड न्यूज़ है तो इसीलिए इस वीडियो को डबल आप लोग लाइक करिए। काफ़ी ज़्यादा आप लोग से उम्मीद है, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी दोस्तों तक, फैमिली एंड फ्रेंड्स तक। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस RTO के संबंध में आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। चलिए जी आपको बताते हैं। तो होली पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सभी राज्यों के RTO को आदेशित किया है कि न्यू ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर, एक बार ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूवल हो जाने पर, जल्द से जल्द ड्राइविंग लाइसेंस डिस्पैच कर दिया जाए, आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए। बहुत सारे राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस की जो डिस्पैच की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल है और काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और टाइम टेकन प्रोसेस है। तो इसी के ऊपर अब मोर्च काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुका है, यानी कि जो भारत सरकार सड़क मंत्रालय है उन्होंने ये सख्ती से आदेश जारी किया है कि जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव हो रहे हैं उसको जल्द से जल्द डिस्पैच किया जाए। तो इसी के तहत सभी RTOs ने अब वहाँ पर अपनी कमर कस ली है और इसमें जो नया वहाँ पर चीज़ निकल कर आई है तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो होगा वो आपके घर के पते पर 7 दिनों में पहुँच जाएगा। एक बार जब वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर भेजा जाएगा, जिस डेट पर भेजा जाएगा उस डेट से लेकर 7 दिनों के अंदर आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके हाथ में होगा। अब इसमें नया चीज़ जो हुआ है वो बता देता हूँ। नया चीज़ इसमें कुछ नया एड ऑन ये हुआ है कि इंडियन पोस्ट सर्विसेज यानी कि जो भारत ये डाक सेवा है, तो भारतीय डाक सेवा और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज एक बार फिर से न्यू रिटाइप किया है, यानी कि नए तरीके से हाथ मिलाया है। और इसमें ये चीज़ें होगी कि अब ड्राइविंग लाइसेंस या RC या फिर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जो दस्तावेज हैं जो कि घर पर भेजे जाते हैं, तो ऐसे दस्तावेजों को अब एक नए माध्यम से नए तरीके से स्पीड पोस्ट किया जाएगा, जिससे आप सभी को ड्राइविंग लाइसेंस, RC अब जो और दस्तावेज हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के वो काफ़ी जल्दी आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे। तो ये गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। इसी मैं वीडियो बोला कि वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तो अभी नहीं किया तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग इसी बात पर। तो दोस्तों सभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के डॉक्यूमेंट जैसे कि DL, RC एक्सेट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर के पते पर भेजे जाएंगे, जो कि 7 दिनों में आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसके ऊपर प्रक्रिया अब स्टार्ट हो चुकी है, समझ रहे हैं आप। तो विभाग ने डिस्पैच ये जो है इसको अब बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी इसके ऊपर पेंडेंसी भी है। और मोर्थ ने सभी RTOs को ये भी इंस्ट्रक्ट किया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस, RC या और दस्तावेज हैं इनकी जो पेंडेंसी है RTO में इसको निपटाएँ, जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें। बीते 6 महीने से DL, RC या और भी दस्तावेज इनकी डिस्पैच में बहुत कमी देखने को मिली है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, RTO के चक्कर काट रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों को समस्या के निदान हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चिप की कमी होने के चलते जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था वहाँ पर चिप वहीं से आती है, तो चिप कमी होने के चलते DL, RC सारे दस्तावेज जो हैं वो उसको डिस्पैच में देरी हो रही थी। लेकिन अब बल्क में ऑर्डर प्राप्त हो चुका है, 3 करोड़ ऑर्डर दिया गया था इन कंपनीज़ को, तो ये चिप अब बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रही हैं। और जैसे जैसे चिप मिल रही है ये सभी लोगों तक जो पेंडेंसी है जो पहले आवेदन किया था और लोगों के घर के पते पर भेजा जा रहा है, तो आप लोगों को अब परेशान नहीं होना है। और नए जो आवेदन कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खबर है कि उनका लाइसेंस, RC या कोई भी दस्तावेज है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का वो जल्द से जल्द उनके घर के पते पर पहुंच जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो इसकी जिम्मेवारी अब RTO कर्मियों की होगी, समझ रहे हैं आप। इसमें सहभागिता जो है वो आपकी भी रहेगी और RTO कर्मियों की भी रहेगी। और अब इसकी जो जिम्मेवारी होगी वो RTO कर्मियों की होगी कि देरी क्यों हो रही है ड्राइविंग लाइसेंस, RC या अन्य दस्तावेज के डिस्पैच में, तो इसमें जो है वो अब जिम्मेदारी भी लगा दी गई है। तो अब आपका लाइसेंस, RC सब आपके घर के पते पर बहुत ही जल्द आपके हाथों में हो जाएगा। तो हुई ना गुड न्यूज़, इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, टू माई डियर फैमिली।
टेक्निकल आयोग जी, फैमिली को, आप सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।